हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। आज हम बनाने वाले हैं चटपटी ब्रेड पपड़ी चाट। चलिए चलते हैं इसे लगने वाली चीजों की तरफ। मैंने हरी चटनी ली है जिसे मैंने धनिया और मिर्ची से बनाया है। कर्ड जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर ऐड कर ली है। ऑयल, 1 उबला हुआ आलू, 1/2 कटोरी सेब, खट्टी मीठी इमली की चटनी, 4 स्लाइसेस ब्रेड की, हरा धनिया, 1 कटा प्याज, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काला नमक। चलिए चलते इसे बनाने की विधि के तरफ। सबसे पहले इस ब्रेड के कॉर्नर्स हम काट लेंगे और उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत पतला बेल लिया है। अब हम इसे गोल गोल राउंड में काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड को सर्कुलर शेप में काट लिया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम गार्निशिंग के लिए लगने वाली चीजों की तरफ चलते हैं। मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम हमारी ब्रेड पपड़ी चाट बनाएंगे। सबसे पहले हमने बनाई हुई पपड़ी इस प्लेट में ले लेंगे। और ये आलू का मिक्सचर इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे। इमली की चटनी, अब थोड़ी हरी चटनी डालेंगे। प्याज, गार्निशिंग के लिए सेब इसके ऊपर थोड़ा सा। आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड पपड़ी चाट रेडी हो चुकी है। ऐसी यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।